बड़ी खबर भारत समाचार पर। यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के पास कुल 34 विभाग हैं। 34 विभाग हैं। आप शुरू कीजिए नियुक्ति से लेकर अंतिम में विधायी विभाग। केशव प्रसाद मौर्य को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर। ब्रजेश पाठक को दूसरे उप मुख्यमंत्री को कई बड़े विभाग मिले हैं। चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, ये ब्रजेश पाठक को मिला है। आरईएस खाद्य प्रसंस्करण केशव प्रसाद मौर्य को, शहरी विभाग और ऊर्जा विभाग अरविंद कुमार शर्मा को मिला है। जितिन प्रसाद को बड़ा विभाग दिया गया है। पीडब्ल्यूडी सूर्य प्रताप शाही को कृषि एक बार फिर से दिया गया है। सुरेश खन्ना को एक बार फिर से वही विभाग दिया गया है, वित्त और संसदीय कार्य। बेबी रानी मौर्य को उम्मीद थी कि यही विभाग मिलेगा। और महिला कल्याण, जयवीर सिंह को पर्यटन और संस्कृति दिया गया है। धर्मपाल सिंह को पशुधन अल्पसंख्यक कल्याण दिया गया है। नंद गोपाल नंदी का इस बार औद्योगिक विकास कर दिया गया। भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज विभाग दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग दिया गया। और भारत समाचार के स्टेटेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वीरेंद्र जी, इंतजार बहुत दिनों से था कि आखिरकार कब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा, फाइनली आज हो गया है। बिल्कुल, देखिए ये बंटवारा बड़ा चौंकाने वाला है। और खास तौर से केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं, कहने को उनको 6 विभाग दिए गए हैं, लेकिन उनके विभाग पहले की तुलना में काफी कमजोर है। यही यूं कहा जाए तो उनका कद काफी छोटा हो गया है, घटा दिया गया है। ब्रजेश पाठक को पूरे स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसमें जितने चिकित्सा संस्थान से लेके स्वास्थ्य विभाग और महिला और परिवार कल्याण, तो चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य महिला परिवार कल्याण सब कुछ ब्रजेश पाठक के हवाले पूरा स्वास्थ्य महकमा किया गया उत्तर प्रदेश का। ये बहुत बड़ा काम है। और अरविंद कुमार शर्मा जिनके पास नगर विकास विभाग और ऊर्जा विभाग, वो प्रदेश के नए मंत्री होंगे। ये बहुत बड़े दोनों मंत्रालय उनको दिए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो पीडब्ल्यूडी को लेंगे थी, और पीडब्ल्यूडी जितिन प्रसाद को दिया गया है। जितिन प्रसाद थोड़े समय पहले ही बीजेपी में आए हैं और उनको MLC बनाया गया था और टेक्निकल एजुकेशन के वो मिनिस्टर बनाए गए थे। अभी थोड़े दिन पहले ही, 6 महीने पहले वो मंत्री बने हैं, लेकिन इस बार उनको PWD जैसा महकमा दे दिया गया है, जिसको लेकर लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अगली बात यह है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी को उद्योग मंत्री बनाया गया है, राकेश सचान को लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है, नितिन अग्रवाल को आबकारी मंत्री बना दिया गया है, रविंद्र जायसवाल के पास स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन है, संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है, गुलाब देवी को माध्यमिक शिक्षा दिया गया है, और बेबी रानी मौर्य को बाल विकास को इश्तहार और महिला कल्याण, जैसा पहले से जो विभाग स्वाति सिंह के पास था वो दिया गया। JPS राठौर कोऑपरेटिव बहुत बड़े विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इसी तरह से अगर आप देखें दयाशंकर सिंह को, तो उनको भी संगठन में इतने समय तक रहने का जो इनाम मिला है वो परिवहन मंत्री के रूप में मिला है। परिवहन भी बहुत बड़ा महकमा है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर लोग तरसते हैं कि उनको परिवहन विभाग का मंत्री बनाया जाए। तो आज इस मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा हुआ वो काफी चौंकाने वाला है और कई लोगों के कद बहुत ज्यादा बढ़ाता है। मुख्यमंत्री के पास देखिए ग्रह गोपन नियुक्ति कार्मिक ये तो हमेशा रहता है, लेकिन इस बार अभी उनके पास खाद रसद भी है और कई सारे महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। सुरेश खन्ना पहले की तरह मंत्री रहेंगे, जैसे उनके पास संसदीय कार्य और वित्त था, इसी तरह से सूर्य प्रताप शाही के पास कृषि विभाग रहेगा। लक्ष्मी नारायण का विभाग बदला है, उनको अब गन्ना दे दिया गया है जो पहले सुरेश राणा के पास था, और धर्मपाल सिंह जो नए मंत्री बने उनको दुग्ध विकास दिया गया है। तो ये बड़ा परिवर्तन चौंकाने वाला है उत्तर प्रदेश में, जिसका सबको इंतजार था वो मंत्रिमंडल का बंटवारा, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। जी
बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इसमें कई चौंकाने वाले भी पोर्टफोलियो दिए गए हैं, कईयों का कद बढ़ाया गया। जैसे देखिए, जतिन प्रसाद कैबिनेट मिनिस्टर हालांकि पिछली सरकार में भी थे और कांग्रेस से आए हैं, इस बार उन्हें एक बड़ा मंत्रालय दे दिया गया है, लोक निर्माण विभाग। आमतौर पर लोगों के बीच धारणा है उत्तर प्रदेश के लोगों की कि यह नंबर टू माना जाता है, चूंकि शिवपाल सिंह यादव के समय में भी हुआ करता था, उसी वक्त से सबसे बड़ा विभाग माना जाता है और इसको नंबर टू की हैसियत से देखा जाता है। तो इस पिछली बार भी केशव प्रसाद मौर्य के पास था, लेकिन इस बार जितिन प्रसाद को यह मंत्रालय दे दिया गया है, जो इस बार भी कैबिनेट मिनिस्टर बताया गया। देखिए, संजय रिसात को मत्स्य विभाग दिया गया है, ये मछुआरों की बात बहुत दिनों से करते भी थे, तो इनके मन माफिक विभाग दिया गया है। कपिल अग्रवाल को व्यावसायिक शिक्षा विभाग दिया गया है। स्टाम्प न्याय शुल्क न्यायालय शुल्क रविंद्र जायसवाल को, संदीप सिंह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। और गिरीश चंद खेल और युवा कल्याण विभाग दिया गया है इन्हें। धर्मवीर प्रजापति कारागार और होमगार्ड, असीम अरुण को समाज कल्याण विभाग दिया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पास कुल 34 विभाग रखे हैं। हमेशा की तरह कार्मिक, गृह, नियुक्ति तो है ही है, आवास, शहरी योजना, राजस्व, खाद्य, रसद, भूतत्व हमेशा की तरह एक बार फिर से है, सचिवालय प्रशासन भी है, गोपन भी है, सूचना भी है, निर्वाचन, ये सारे विभाग जो है मुख्यमंत्री के पास है। दूसरे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी ब्रजेश पाठक अहम जिम्मेदारी, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, लगभग स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरी तरीके से दे दिया गया है ब्रजेश पाठक को। केशव प्रसाद मौर्य को कैसे वो गांवों को चमकाएं, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ खाद्य प्रसंस्करण, सार्वजनिक उद्यम, राष्ट्रीय एकीकरण, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सुरेश कुमार खन्ना को पूर्ववत दिया गया है, सूर्य प्रताप शाही को पूर्ववत यानी जो पहले विभाग था कृषि, और सुरेश खन्ना को वित्त। स्वतंत्र देव सिंह को तकरीबन 7 विभाग दिए गए हैं, जल शक्ति, नमामि गंगे, सिंचाई, लघु सिंचाई, प्रतिभूमि, बाढ़ नियंत्रण, बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा, आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा विभाग दिया गया है। ये पिछली सरकार में कमल रानी वरुण के पास ये विभाग हुआ करता था। नितिन अग्रवाल को, ये इनको भी बड़ा मंत्रालय एक प्रकार से मिला है। और अगर बात करें लक्ष्मीनारायण चौधरी को, तो गन्ना विकास दिया गया है, इनका विभाग बदला गया है। जयवीर सिंह को पर्यटन और संस्कृति, हमेशा ये स्वतंत्र प्रभार के पास रहा करता था, लेकिन इस बार कैबिनेट मंत्री के पास है पर्यटन और संस्कृति। लंबे समय से आप देख लीजिएगा, जो तकरीबन 15 साल का इतिहास रहा, यह स्वतंत्र प्रभार को ही दिया जाता, लेकिन इस बार कैबिनेट मिनिस्टर के पास होगा। धर्मपाल सिंह को पशुधन, दुग्ध, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, नागरिक सुरक्षा, ये धर्मपाल सिंह को दिया गया है। नंदी को, नंद गोपाल गुप्ता नंदी को औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NRI, निवेश प्रोत्साहन की जिम्मेदारी नंदी को दी गई है। भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज, अनिल राजभर को श्रम सेवा योजना समन्वय दिया गया है, और जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग दिया गया है। सीमा नकवी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सीमा